सहारनपुर हिंसा पर भी इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के पीछे एक खास ग्रुप की साजिश बताई जा रही है। नीली टोपी काला कुर्ता पहन के भीड़ आई, ये पुलिस की तरफ से बात कही जा रही है। सहारनपुर हिंसा के मामले में 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रतिंदर सिंह आईजी जो है उनकी तरफ से ये बयान आया है। नीली टोपी काला कुर्ता पाजामा पहने लोगों ने माहौल को कैसे खराब किया, क्योंकि अब पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उन तमाम वीडियोस को खंगाला जा रहा है जिसमें भीड़ नजर आ रही है। उसके बाद नीली टोपी और काला कुर्ता पजामा पहने 50 आरोपियों की तलाश में पुलिस की ये टीम जुटी हुई है। सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अब फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। डॉक्टर प्रतिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, अब तक की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची? देखिए, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में हमने लगभग 48 लोगों को अरेस्ट किया है और उनको अरेस्ट करने के बाद बाकियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके अलावा भी लोग बहुत सारे आइडेंटिफाई हो गए हैं जिनको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे। और हमारा उससे भी ज़्यादा मेन मकसद है इनकी अरेस्टिंग और इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। और हमारे जो इस मार्केट के व्यापारी हैं और उनके जो संगठन के लोग हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना कि जिस तरह से ये माहौल कल सुबह, कल शाम, आज उसी तरह मेंटेन रहेगा और इसी तरह ये जो मार्केट है हमेशा की तरह उसी तरह खुला रहेगा। सर, अब तक की तफ्तीश में क्या पता चला, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत सबको पता है कि जुमे की नमाज अदा करके उसके बाद भीड़ वहां से निकली, जिसमें काफ़ी सारे नाबालिग नौजवान भी थे और नौजवान भी थे। उनको किसने उकसाया, किनको उन्होंने आगे लगाया, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसमें लोगों की अरेस्टिंग भी हो रही है, कल भी अरेस्टिंग हुई है, आज भी अरेस्टिंग हुई है और लगातार ये अरेस्टिंग चलती रहेगी जब तक जितने लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे। सर, क्या पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और जितनी मार्केट के अलग जो वायरल वीडियोस हैं वो सब आ चुके हैं और उनके आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने शुरू करी है फॉरेंसिक टीम के? हमारे पास काफ़ी सारे वायरल वीडियोस आ चुके हैं और बाकी सीसीटीवी फुटेजेस आज हम मार्केट से सभी एकत्र कर रहे हैं। हमारी सर्वेलेंस टीम उसको इकट्ठा कर रही, इकट्ठा करके उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उसके बेसिस पे भी लोग आइडेंटिफाई होकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, आखिरी सवाल आपसे, सर क्या लगता है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या ये सुनियोजित था, पूर्व प्रायोजित था या फिर अचानक से हो गया था? देखिए, भीड़ निकली है तो एक बार जब भीड़ निकलती है तो उसमें क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग थे, बाद में मॉब मेंटेलिटी हो जाती है। लेकिन हम ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसको भीड़ को निकलने के लिए किसने इंस्टिगेट किया। कुछ उसमें कॉन्टैक्ट यहाँ लोकल के मिले हैं जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। सर, बस एक और सवाल आपसे, एक वायरल मैसेज है कल से पूरे देश के अंदर वायरल हो रहा है जिसमें भारत बंद की बात कही गई थी 10 तारीख को, खास तौर से ये भी बोला गया था दुकानें बंद रहें, क्या सहारनपुर में भी इस चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इस तरीके के मैसेज को लेकर? कोई भी मैसेज होगा सोशल मीडिया पे होगा, अगर वो इस किसी भी तरह का जो मैसेज पूरे भारत बंद के बारे में है, किसी तरह के भी मैसेज होगा, चाहे वो किसानों के द्वारा, चाहे वो बद्रियों के द्वारा, चाहे किसी भी और के द्वारा, चाहे किसी व्यापार संगठन के द्वारा, चाहे किसी ट्रेड यूनियन के द्वारा, तो उसको तो संज्ञान में लिया ही जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है और उस इंटेलिजेंस इनपुट पे एक्ट भी किया जाता है। थैंक यू सर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।